क्या करते हैं एक टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ठीक है सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं दूसरा इनका क्या है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किए जा सकते हैं ठीक है एक्सपर्ट्स ही इनको कर सकते हैं तो ना हमारा क्वेश्चन तो ये है कि मोलिकुलर डायग्नोस्टिक का एडवांटेज क्या होता है ओवर कन्वेंशनल मेथड तो हम एक बार पहले मोलिकुलर डायग्नोसिस जो होती है उसकी एडवांटेज की बात करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आइए इनकी सबसे पहली एडवांटेज क्या होती है कि ये मोर स्पेसिफाइड होते हैं क्या होते हैं ज्यादा स्पेसिफाइड होते हैं और इनके अंदर सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है क्योंकि हम मोलिकुलरली किसी चीज की डायग्नोसिस कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल स्मॉल स्केल पे मींस स्मॉल साइज पे ठीक है सेकंड हमारी क्या है कि इसके अंदर अगर है तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जब हम मोलिकुलर डायग्नोसिस करते हैं तो नोट अफेक्टेड क्या अफेक्टेड कि जो मोर्फोलॉजी मोरफोलॉजी क्या होता है आपका आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं ठीक है थर्ड इसका क्या एडवांटेज रहती है कि ये डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंसिएट कर सकती है डिफ्रेंसिएट बिटवीन बिटवीन स्पीसीज ठीक है तो ये इस तरह की एडवांटेजेस की वजह से क्या है आपका जो डायग्नोस्टिक या मोलिकुलर डायग्नोस्टिक है वो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में कैसे क्योंकि ये मोर स्पेसिफाइड है और सेंसिटिविटी शो करती है मोरफोलोजी इसके अंदर अफेक्ट नहीं होती है ठीक है डिफ्रेंशियट बिटवीन स्पीसीज और ये स्पीसीज के बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है वो हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं वहीं हम बात करें कि कन्वेंशनल मेथड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है ठीक है तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ही की जा सकती है और ये लेस सेंसिटिव है ठीक है तो ये आपके क्या हो गए कन्वेंशनल मेथड्स के डिसएडवांटेजेस हो गए लिमिटेशन हो गए जिसकी वजह से हम ज्यादातर किसको प्रेफरेंस करते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं आपके मोलिकुलर डायग्नोसिस को ठीक है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विद दिस थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर